मुरादाबाद के थाना नागफनी के इलाके दसवां घाट पुराना रामलीला मैदान में मौजूद एक फर्म को उसका मालिक बेचकर उसमें प्लॉटिंग कर रहा है, जिसका स्थानीय लोग पूरी तरह विरोध करते हुए सामने आ गए हैं। जमीन ना बेचे जाने की मांग करते हुए इन लोगों का कहना है कि रामलीला मैदान में ये कई सालों पुरानी फर्म है, जिसके दो ही रास्ते हैं और इन रास्तों से कॉलोनी के लोगों को आना जाना पड़ता है। अब फर्म मालिक ये जमीन किसी और को बेचकर यहाँ मकान बनवा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की समस्या और बढ़ जाएगी। सूचना मिलते ही नागफनी पुलिस के साथ भारी फोर्स भी मौके पर पहुंच गया था और लोगों को समझाते हुए शांत किए जाने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों की मांग है कि जमीन को ना बेचा जाए। अधिकारियों के समझाने पर लोग शांत हो पाए थे। स्थानीय लोगों ने फर्म मालिक के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र भी पुलिस अधिकारियों को देते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। रामलीला मैदान के सामने पैरामाउंट फैक्ट्री है, उन्होंने बेच दी है। पूरी जगह बताओ क्या है। पूरी जगह रामलीला मैदान, नागपनी चौकी, पुराना दसवां घाट, रामलीला मैदान, गली नंबर 2 शिव मंदिर, और मोहन महाजन साहब की ये फर्म है। उन्होंने तुलवा करके ये ड्रेवर को बेच दी है। बेचने के बाद इधर कोई गेट नहीं है इसमें निकला हुआ। अवैध रूप से ये गेट लगा रहे हैं, अंदर ही अंदर गेट लगा रहे हैं, उसके बाद दीवार तोड़ रहे हैं ये लोग। आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? हम इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने के बाद हमें इन दो गेटों से कोई एलर्जी नहीं है। हमारे को ये दो गाइड है, भेद है, ये इनसे हमें कोई परेशानी नहीं है। बस जो बंद है वो बंद है, बस